Hi, welcome back to Exotic Pet Association. My name is Nishan. मेरे साथ पे कुछ गिफ्ट है जर्मन सिफर्ट का और कल्चर स्पीच का. उसमें प्रेजेंट करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और गिवर्स को वीडियो का लिंक आपको बटन में नहीं स्क्रीन में मिल जाएगा. और सो फिलहाल आपकी वीडियो में आप जितने भी पपीज देखेंगे सारे पुणे में अवेलेबल है और पुणे मुंबई एंड आसपास के एरिया जैसे महाराष्ट्र तक सारे महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा. सो फर्स्ट जो पपीज है ये लैब्राडोर का पपी है. शो क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है और हैवी बोन का पपी है और इसका लोकेशन पुणे है. सो इफ एनीबॉडी रिक्वायर डेंसलेशन वाज ऑन स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं. हैवी बोन का पपी है, बड़े हेड का पपी है, शॉर्ट टेल का पपी है और बहुत ही फियरी व्हाइट कलर में और फॉन कलर में पपी अवेलेबल हो जाएगा. सो इफ एनीबॉडी रिक्वायर डेंसलेशन वाज ऑन स्क्रीन उसमें कॉल करके आप और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं. देन नेक्स्ट जो पपी है सेम सेलर के पास अवेलेबल है, ब्लैक मास्क में जर्मन शेफर्ड का पपी है. ऑलमोस्ट 45 डेज का पपी है, काफ़ी बेटर क्वालिटी के, हेल्दी क्वालिटी में और एक्टिव पपी है और बड़े साइज में पपी है, हैवी बोन का पपी है और कोट भी काफ़ी प्यारी ब्लैक कोट में पपीज है. सो इफ एनीबडी रिक्वायर्ड दिस पपीज ऑल्सो देन सेलर नंबर ऑन स्क्रीन एंड सेम सेलर नंबर देन यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली. देन आते हैं नेक्स्ट डॉग्स के ऊपर, ब्रीड के ऊपर जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट जेंटल डॉग माना जाता है इंडिया में. दीज आर गोल्डन रिट्रीवर पपीज. ये बहुत फैमिली डॉग होता है, अच्छा डॉग होता है और बहुत जल्दी सोशलाइज होता है. और ये पपीज भी अवेलेबल है सेम सेलर के पास एट पुणे एंड कैन बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो इफ एनीबडी रिकॉर्ड टेंशन नंबर ऑन स्क्रीन उसमें कॉल करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं. नेक्स्ट जो पप्स है ये ब्लैक कलर की लैब्राडोर पपीज है, काफ़ी हैवी बोन का पपी है, बड़े साइज का पपी है, इंग्लिश लैब्राडोर पपी है और 5 फेज में पपीज है विच आर ऑल्सो अवेलेबल एट पुणे विथ माई सेम सेलर. सो इफ एन बी रिक्वायर्ड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ पपीज दैन सेलर नंबर ऑन स्क्रीन उसमें कॉल करके आप और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं. बहुत ही बेटर क्वालिटी में और शो क्वालिटी का पपीज है ये. And next is last but not least, this is with a another seller. This is a blue eyes husky, Siberian husky and champions bloodline male puppy or male female both puppies इनके पास अवेलेबल है. और उस वजह मैं हस्कीज़ का एक बात शेयर करना चाहता हूँ. बहुत बोलता है कि हस्की ब्लू आइज चाहिए, ब्लू आइज चाहिए और सारे हस्कीज़ का पपीज़ का ऑलमोस्ट 2 to 3 months तक आइज ब्लू ही रहता है और टाइम के साथ और एज के साथ जिसका ब्लू होना है वो ब्लू होता है और जिसका ब्लैक होना है ब्लैक होता है. तो ऐसे मत करें, आप बचपन में जज मत करें कौन सा हस्की ब्लू है और कौन सा व्हाइट है. और ऐसे पपी अवेलेबल है पुणे में एंड सेलर्स नंबर ऑन स्क्रीन.